नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसा स्टार्टर बनाएंगे जो आप लोगों ने रेस्टोरेंट में बहुत खाया होगा। आज हम बनाएंगे वेज क्रिस्पी जो बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। वेज क्रिस्पी बनाने के लिए हमने यहाँ पर सब्जियाँ काट ली है जो कि समान मात्रा में है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन्स, गाजर, फूल गोभी और शिमला मिर्च ली है। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, हम बिना प्याज के बनाएंगे। इसे अब हम धो लेते हैं। वेज क्रिस्पी के लिए हमने सब्जियां जो धोई थी उसका पानी निकल गया है। अब हम इसमें इन्हीं सब्जियों को मिला लिया है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच एक बार इतना ही डालेंगे, अगर लगेगा तो हम फिर डाल लेंगे। ये मैदा है, ये भी हम 2 चम्मच ले लेंगे। इसमें हम नमक 2 छोटी चम्मच है वो ले लेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। ये हमारी सब्जी अभी सूखी लग रही है, इसमें हल्का सा 1 चम्मच पानी डाल देंगे। एक चम्मच पानी और लगेगा। थोड़ी मैदा, थोड़ा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा हम और डाल देंगे। यहाँ पर हमने कुछ पनीर लिया है, इसमें भी हम मैदा ये लगभग 1 बड़ी चम्मच है डाल देंगे, और इस कॉर्नफ्लोर भी उतना ही डालेंगे। दोनों समान मात्रा में, ध्यान रहे दोनों समान मात्रा में डालना है। और 1 छोटी चम्मच हम नमक डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। पनीर भी पानी छोड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा हल्का पानी का छींटा देंगे। इन दोनों को हम 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और चलो सॉस बनाते हैं। वेज क्रिस्पी के लिए सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें 1 टेबल स्पून तेल लिया है। अब इसमें लहसुन डाल देंगे जो कि हमारी कटी हुई है, अदरक क्रश की हुई अदरक है इसे भी डाल देंगे, और उस पर से ये कटी हुई चिली डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हमारे मसाले भुनकर ब्राउन हो गए, इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट लगा है भुनने में। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल देंगे, 1 बड़ी चम्मच हमने यहाँ पर शेजवान चटनी डाल ली है, और कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून मिक्स करके रखा हुआ है इसे भी हम डाल लेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट इसको उबाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। सॉसेज में नमक होता है इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। अब हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, और ध्यान रखिए कॉर्नफ्लोर डालने के बाद लगातार चलाते रहिए वरना आपकी ग्रेवी में लम्स पड़ जाएंगे। सॉस हमारी बनकर तैयार है, इसे उबलते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम वेज क्रिस्पी को तल लेंगे। फ्लेम हमेशा हाई ही रखिएगा।
बस जितना कढ़ाई में आता है उतना ही डालेंगे। आपको लगे कि तेल ज़्यादा तेज हो रहा है तो आप उसको बीच में मीडियम भी कर सकते हैं। हमारी वेज क्रिस्पी तल रही है, थोड़ी सी और हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे। क्रिस्पी हमारी तल कर तैयार हो गई है। इसमें हमने फूड कलर का यूज नहीं किया है, हम थोड़ा फूड कलर अवॉइड ही करते हैं। पनीर को भी हम इसी तरह से मीडियम आंच में फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा सा कम टाइम समय लगता है, सब्जियों को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वो कच्ची रहती है। पनीर भी फ्राई होकर तैयार हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। क्रिस्पी डालने से पहले हमने सॉसेज का गैस फ्लेम ऑन कर लिया था, अब उसमें हम क्रिस्पी डाल देंगे। और ये पनीर के टुकड़े भी इसी में डालकर मिक्स कर लेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे इसमें सारा सॉस लिपट जाए। अभी हमारी क्रिस्पी बन गई है। क्रिस्पी को हम अब एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। हमारी क्रिस्पी बन गई है। हमने आज इसमें ऑनियन नहीं डाला है, इसलिए हम स्प्रिंग ऑनियन भी नहीं डालेंगे। आप चाहे तो स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालिए। रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घंटी को ज़रूर दबाइए।